الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. हमारी गुफ्तगु इस दुनियावी जिंदगी के आखिरी लम्हात के बाद हो रही है. आखिरी लम्हात इस माना में कि जब तक सांस जिस्म के अंदर है हम दुनियावी ज़िंदगी में हैं. जैसे ही ये सांस जिस लम्हे हमारे जिस्म से बाहर निकली हमारी दूसरी दुनिया का सफ़र आगाज़ हो जा रहा है. कब्र तक पहुँचे थे, कब्र की तारीकी, कब्र का उजाला, कब्र की वसअत, उसमें स्पेस जगह ज़्यादा होना, कब्र की तंगी. एक बहस है मरने के बाद से जो मबाइस हैं, जो चीज़ें बातें रिलेटेड हैं, उनमें से एक चीज़ है बरज़ख. नाम सुना है बरज़ख, ये भी एक इंटरेस्टेड टॉपिक है बरज़ख की ज़िंदगी. तो बरज़ख या आलम अरवाह, उसको आलम अरवाह भी, रूहों की दुनिया कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रूहों की दुनिया या बरज़ख. और बरज़ख के सिलसिले में भी ये सीधी सीधी सी बात है कि किसी इंसान ने अपनी आँखों से, यानी हम और आप जैसे इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमने अपनी आँखों से इसे नहीं देखा. ये गैबी उमूर में से है, एतिकादी उमूर में से है, यानी अकीदा है हमारा और हमको रखना चाहिए. समझ रहे हैं आप? ये ज़रूरियात मज़हब में से है या ज़रूरियात दीन में से है? बताएँ. नहीं मालूम. ज़रूरियात मज़हब में से है या ज़रूरियात दीन में से है? दीन में से है बरज़ख. देखिएगा देखिएगा, मज़हब में से है, दीन में से है. खैर, हमारे अकीदे में से हो, दीन में से हो या मज़हब में से है, ले देकर के हमारे ही दरमियान में से. अब होता यह है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, इस दुनिया से जाता है, जैसे ही उसकी मौत वाक़े होती है, इंसान की रूह उसके जिस्म से जुदा होती है. जैसे ही जुदा हुई, ये रूह जुदा हुई, अब यहाँ से फौरन बरज़ख का मरहला शुरू है. इसके लिए ये नहीं है कि आप इसे गुस्ल दीजिएगा, कफन पहनाइएगा, तशिया जनाजा कीजिएगा, ले आइएगा, कब्र में दफन कीजिएगा, कब्र बंद कीजिएगा, तलकीन पढ़ दीजिएगा, सब लोग अपने अपने घर, तब कहीं बरज़ख का मरहला शुरू होगा. नहीं, इधर रूह निकली और ऑटोमेटिकली बरज़ख में इंटर, ज़िंदगी यहाँ से शुरू हो गई. और कब्र में क्या हो रहा है, ये सब उसी के मराहिल हैं. कुछ चीज़ें ज़ाहिर से रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ें मतलब कब्र का मामला, ये सब ज़ाहरी एतबार से कि ज़मीन में गड्ढा खोदा जाएगा, ज़मीन में उसको फ़लाँ आदाब के ज़रिए, आदाब के साथ इस जनाजे को दफन किया जाएगा, ये सारे ज़ाहरी चीज़ें. लेकिन जो असल सफ़र है वो रूह का है, असल जो कुछ भी कहानी है वो रूह की है. और ये रूह जो इस मुर्दे इंसान के जिस्म से बाहर निकली है और इसको इसने बरज़ख में पहुंचा दिया है, यानी ये रूह निकल गई इस जिस्म से, बरज़ख के दुनिया में पहुंच गई, अरवाह, आलम अरवाह में ये मुंतकिल हो गई. अब ये वहाँ जाएगी, जैसे इसके आमाल होंगे, अच्छी रहेगी तो अच्छे एतबार से, बुरी रहेगी तो बुरे एतबार से, अपने आमाल की बुनियाद के ऊपर बरज़ख में ये अपनी ज़िंदगी गुजारेगी. ठाट की ज़िंदगी भी गुजार सकती है, अजाब की ज़िंदगी भी गुजार सकती है, ये डिपेंड करता है हमारे अपने आमाल के ऊपर कि हमारी रूह कैसे करेगी. वहाँ ये आराम से पैर फैला के पड़ी रहेगी, नेमतों से इस्तेफादा करेगी. कब तक? जब तक जनाब इसराफील सूर न फूंक दें. सूर फूकेंगे, सूर फूकना ट्रम्पेट के जैसे एक सदा होती, आवाज़ होगी बहुत भयानक सी, और वो उसके बाद से सारे ज़मीन में से जितना जहाँ जहाँ देखिएगा सब मुर्दे निकलना शुरू हो गए, सारे मुर्दे निकलने लगेंगे. वो जगह जहाँ पे, यानी आप जनाजा दफन कर दिए, खाक हो जाता है कुछ दिन में, लेकिन जब सूर फूका जाएगा तो पूरे जनाजे की शक्ल में बाहर निकलेगा. तो ये तब तक वहाँ पर रूहें जो हैं वो आलम अरवाह में रहेंगी, और जब ट्रम्पेट यानी सूर फूका जाएगा तो मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे. जब बाहर निकलेंगे यानी उसी वक्त ये रूह दोबारा अपने असली बदन में, जिस बदन से निकली थी उसी बदन में ये दोबारा पहुंच जाएगी. क्लियर है यहाँ तक की बात? अब
मौली साहब एक घंटे से जब देखो जहाँ मिल जाएं, एक तो मौत का तस्करा ही खौफनाक होता है, कभी कब्र, कभी बर्दख, कभी मौत। तो भाई ये बर्दख किस माना में, बर्दख का मतलब क्या होता है? वो तो समझ में आ गया कि मरने के बाद से रूह जहाँ रहेगी, लेकिन बर्दख ख़ुद होता क्या है? व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ बर्दख, समझ रहे हैं जी? नहीं, वो अब किए हुए आमाल अपनी जगह है। खुद भाई आपसे कहा जाए कि पैंट क्या होती है, पैंट क्या होती है, अब आपके ये तन ढकने का एक कपड़ा है, वो समझ में आ रहा है, पैंट कपड़ा कपड़े की किस्मों में से एक है जिससे इंसान तन ढकता है, लेकिन आपसे डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है कि बर्दख को डिफाइन कीजिए, मीनिंग बताइए बर्दख की, मीनिंग बताइए पैंट की, पैंट क्या होती है? कपड़े का वो हिस्सा जिसमें दो पैर के जाने की जगह होती है, ऊपर कमर पे बांधने का इम्कान मौजूद है ताकि वो खुद से उतर के गिर ना जाए, उससे इंसान अपने सितरे औरत करता है, यानी अपने शर्मगाह को छुपाता है, अपने पैरों को छुपाता है। यही डिफाइन कर सकते हैं आप या कुछ और बोलिएगा? बर्दख क्या चीज़ होती है? बर्दख दो चीज़ों के दरमियान के फासले को बर्दख कहते हैं, दो चीज़ों के दरमियान के फासले को बर्दख कहते हैं। आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, अब ये बीच का स्पेस जो है ना, हम आपके ऊपर हैं आपके साथ, ना आप हमारी तरफ हैं, इस बीच के स्पेस को बर्दख कहते हैं, समझे आप? इस दुनिया से उस दुनिया तक बीच का जो खाली जगह स्पेस है ये बर्दख है। इसलिए कितने दिन की ज़िंदगी है नहीं मालूम, मुमकिन है हज़ारह साल, जब तक सूर ना फूका जाए, जब तक दुनिया ख़त्म नहीं हो जाए तब तक ये चल सकता है। और आयत में भी है सूरह मोमिनून की 100 नंबर की आयत, हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत काल रब इरजिउनी, जब मौत आती है इनमें से किसी एक के पास, हमारे जैसे आदमी के पास, तो क्या कहेंगे हम? पलटा दे हमें, पलटा दे हमें, पलटा दे किस लिए? लअल्ली अमलु सालिहन फीमा तरक्त, वो जो अच्छे अमल हमने छोड़ दिए थे, अंजाम नहीं दिए थे, शायद हमको पलटा दे ताकि मैं उसे अंजाम दे दूँ। परवरदिगार कब, जब हमारी रूह निकल जाएगी, मौत आ जाएगी सामने, तब हम कहेंगे पलटा दे, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए हम फला अच्छे अच्छे काम कर लेंगे। क्या इरशाद हो रहा है इसमें? कल्ला, हरगिज़ नहीं, नो चांस, समझ रहे हैं सेठ जी, नो चांस। इन नहा कलमतुन हुवा कायलो, ये वही बात है कि पलटा दे हम कर लेंगे, जब आ जाएगा तो फिर भूल जाएगा, ये करेगा नहीं बिल्कुल भी। वमिम वरा अहम बरदखुन, इस आयत में क्या, वमिम वरा अहम बरदखुन इला यौम युबअसून, जब तक दोबारा इन्हें इनकी कब्रों से खड़ा नहीं किया जाएगा, ये तब तक कहाँ रहेंगे, इनके पीछे बरदख है जिसमें ये रहेंगे। जी जी कुछ मिला, अभी पहुँचेंगे वहाँ तक, पहुँचेंगे अभी इंशाअल्लाह। हदीस है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की, इस हदीस को अम्र इब्ने यजीद ने नक़ल किया, कहता है कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप ही लोगों के मुंह से हम लोगों ने सुना है, आप ही लोगों की बात जो लोग नकल करते हैं उनसे सुना है कि आप लोगों ने फरमाया है। देखो बड़ी प्यारी हदीस है, यानी मिजाज के एतबार वाली, जो हम लोग चाहते हैं हमारे मिजाज वाली हदीस है। आप लोगों ने फरमाया है कि तमाम शिया, हमारे जितने भी शिया हैं, सब कहाँ जाएंगे? बहिश्त में, जन्नत में जाएंगे, हमारे तमाम शिया जन्नत में होंगे। हज़रत ने फरमाया सही है, क्या प्रॉब्लम है भाई हमारे, देखिए आ गए, आ गए, आइए आइए और आ गए आइए ताकि सुनिए हमारे तमाम शिया कहाँ होंगे? बहिश्त में होंगे। आपने कहा है, कहाँ कहा है, क्या प्रॉब्लम है इनमें, मुश्किल किधर है भाई? मैंने तो कहा था कई बार, तो कह चुका है बनी ही हम ही हमारे ही लोगों के लिए है, अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? फ़र्क ये है कि हम अपने घर देर से जाएं, सवेरे जाएं, टाइम से पहुंच जाएं, घूम फिर के हम जाएंगे अपने घर पे ही, हैं डंडे खा के जाएं, चाहे दावत उड़ा के जाएं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम है कि ये हमारे सारे शिया कहाँ होंगे? जन्नत में होंगे, जन्नत में होंगे। रावी कहता है अम्र इब्ने यजीद कि मैंने कहा कि आपके ऊपर कुर्बान हो जाऊं मौला,
बहुत सारे हमारे शिया बिरादरान ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गुनाहों में, गुनाह कबीरा में मुर्तकिब हो जाते हैं, क्या ये भी जाएंगे जन्नत में? ये भी जन्नत में ही रहेंगे? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, उनके वसी की शफ़ाअत से ये शिया भी है जन्नत में जाएंगे। कब जाएंगे? क़यामत के दिन शफ़ाअत होगी। ठीक है, ये नुक्ते वाली चीज़ यहाँ है, इसको ज़रा सा ज़हन में महफूज रखिए। क़यामत के दिन शफ़ाअत होगी, अभी ज़िंदगी है, मौत में तब्दील होगी, वहीं से बरज़ख का टाइम शुरू हो जाएगा, अभी क़यामत बहुत दूर है। लेकिन अल्लाह की कसम, इमाम फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मैं तुम शियों के सिलसिले में जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद रहता हूँ, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता हूँ, वो तुम्हारी जन्नत जहन्नम नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे बरज़ख का मरहला है, बरज़खी ज़िंदगी है। समझे आप? अब ये रावी कहता है अमर इब्ने यज़ीद की, मैंने कहा कि फ़र्ज़ंदे रसूल, ये बरज़ख क्या चीज़ है जो आप फरमा रहे हैं? अभी तक तो हम लोगों ने बरज़ख अंदर नहीं सुना था, ये नई चीज़ आप बता रहे हैं। तो इमाम ने कहा बरज़ख यानी घर, अल-क़ब्र यानी कब्र है, बरज़ख जो है वो कब्र है। कब से? जैसे ही इंसान मरता है उस वक्त से लेकर के क़यामत तक की मुद्दत, ये पूरी बरज़ख है। क्लियर है यहाँ तक की बात? भैया बहिश्त में जाना है कि नहीं जाना? जी हमारे लिए बनी, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हैं? वो अच्छा है कि हम यहीं पे अपनी सजाएं भुगत करके जाएं। नहीं बरज़ख नहीं, दुनिया में भुगत के जाएं तो बरज़ख में भी मज़े आएंगे। बरज़ख में कुछ देखिए कुछ परसेंट है, 100% ना दुनिया में ज़्यादा और सज़ा है, ना हर दिन 100% बरज़ख में, फुल एंड फाइनल वहीं है क़यामत में आखिर रोज़े महशर के जान गुदास बुद अव्वल इन पुर सजद नमाज बुद। हाँ सब 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 होगा क़यामत में, सब होगा, पर्सनल नॉन पर्सनल सब है। इब्राहिम इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि ये भी सादिक़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि से रिवायत है कि मोमिन की रूह की मौक़ियत, उसकी जायगाह, उसका रहने की जगह के बारे में छठे इमाम से पूछा गया, सवाल पूछा इसने कि ये कहाँ रहेंगी मोमिन की रूह जिस्म से निकलने के बाद से कहाँ रहेंगी? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहिश्त के हुजरों में मुस्तकर रहेंगी। समझे बहिश्त के हुजरों का मतलब? जन्नत में छोटे छोटे से, अलबत्ता वो छोटे पान के तांबूल को गुमटी के जैसे, खोखे जैसा नहीं, यानी बिलाखिर छोटे छोटे से एक हुजरे होंगे, कमरे होंगे मुजहज़, जहाँ पे ये आराम से ये रूहें रहेंगी। किनकी रूहें? मोमिनीन की। खाली रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी, नहीं, वहाँ के जो रेस्टोरेंट होंगे जन्नत के बेहतरीन ए ग्रेड वाले, वहाँ से ये खाना भी इनको मिलेगा, पीने की बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन शराब, शराबन तहूरा का जो कंसेप्ट है वहीं के लिए, वो वहीं मिलेगा इन्हें पीने के लिए। शराब यानी हर पीने वाली चीज़, शहद, शहद भी शराब है, शरबत भी शराब है, पानी भी शराब है, समझ में आया, जो पीने वाली चीज़ होती है। अब लोकल मिले या ब्रांडेड, ये तो अमाल ये तो अपने अमाल पर डिपेंड करती है। दूसरा काम यहाँ पे क्या होगा? जब इंसान, मोमिन इंसान की रूह बहिश्ती हुजरों में रहेगी, खाएगी पिएगी जन्नत के रेस्टोरेंट में बहिश्त के, फिर ये निकलती है मिलने जुलने के लिए आपस में एक दूसरे से। जैसे यहाँ हैं आप, रह रहे हैं, चलो भाई आज गुलशन साहब क्या होकर के आते हैं, अरे भाई आज वकील साहब क्या होकर आते हैं, आज भाई इश्तहार क्या होकर के आते हैं, आज फला क्या चलते हैं, आज पहलवान जी क्या चलते हैं, आज चेयरमैन साहब क्या चलते हैं, होता है नहीं? गए एक दूसरे से मिलने जुलने, और क्या हाल चाल है, कैसे हो, तो ठीक गुजर के, परेशानी तो नहीं? आदमी जिस लायक का होता है उस एतबार से सवाल करता है एक दूसरे से। बहिश्त में मोमिनीन की रूहें भी जब एक दूसरे से मिलने के लिए जाएंगी, और क्या हाल है, ठीक ठाक हो, सब खैरियत है,
कोई परेशानी तो नहीं। अरे बड़ा अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग यहाँ आ गए। मुख्तलिफ बातें होंगी, सारी रूहें वहाँ परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करेंगी कि परवरदिगार इस बरज़ख की मंजिल को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, क़यामत बरपा हो जाए, ताकि हम लोग अपने फुल एंड फाइनल रिवार्ड, अपने फुल एंड फाइनल इनाम को हासिल कर सकें। समझे आप, ये आरज़ू। ये यहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि भाई हमारे जैसे देहाती आदमी जब पहली बार मुसाफिर खाने में जाता है, सोचता है कि यार ये तो बेहतरीन एक ग्रेड का होटल है, अभी क्या कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारा हाल वही है, मुसाफिर खाने हाजी ये मोमिनों का है। तो शिया तो आपके एतबार से वो ऑटोमेटिकली डंडे फिट हो जाएंगे, बटन दबेंगे, जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाएगी जन्नत में नहीं जाने के, खा के जाएंगे जन्नत। और एक दूसरी रिवायत में कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था इस बात को कि 300,000 साल बाद, 300,000 साल बाद, कम से कम 300,000 साल है वो मिनिमम, कम से कम 300,000 साल बाद कोई मोमिन गुनहगार ये मुंतकिल होगा बहिश्त में अपनी सज़ा काटने के बाद। और ये जो दिन है वहाँ के, वो हमारे दुनियावी 24 घंटे वाले नहीं हैं। और क्या साल लगेगा कैलकुलेट करते रहिएगा, तो जाना है तो ज़्यादा मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खूब फिर फरमाते, यही इसी रिवायत में है कि जब काफिरों के रूहों के बारे में पूछा, किसने? इसहाक, इब्राहिम इब्ने इसहाक ने हज़रत सादिक आले मोहम्मद से कि काफिरों की रूह के बारे में बता दी कि वो कहाँ रहेंगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह से जन्नत में हुजरे हैं, रूम्स हैं अलग अलग, वैसे ही जहन्नम में भी हुजरे हैं, ये जहन्नमी हुजरों में रहेंगे। और जो जहन्नम का खाना होगा, जख़ूम पीप मवाद क्या क्या खिला देते हैं, खाएंगे वही यहाँ पे, जहन्नम की पीने वाली चीज़ें होंगी, जो चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी पीने के लिए। और यही नहीं, आपस में जिस तरह से जन्नती एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं, हाँ भाई बैठो चाय पी लो, अरे आ जाओ बैठो बैठो बैठो, दो चार बातें किया जाए, ये जहन्नमी भी जाएँगे एक दूसरे से मिलने जुलने, यार बड़ी बज रही है, मैं बड़ा परेशानी है, कोई सूरत से निकलने का रास्ता नहीं है, यानी उस वक्त एहसास होगा कि कितनी गलती किया इन्होंने। अब फिर सारे जहन्नमी इकट्ठा होकर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करेंगे कि खुदाया जैसा भी आ इधर ही चलाते रहे, क़यामत न लेके आ। वो कहेंगे कि क़यामत जल्दी से बरपा कर दे ताकि हम अपने फुल एंड फाइनल इनाम तक पहुँच जाएँ। ये कहेंगे जैसे है ठीक है, हमको काफ़ी को मुश्किल नहीं है, क़यामत मत ले आना, क्योंकि अगर क़यामत आ गई तो फुल एंड फाइनल अदाब नाजिल होगा इनके ऊपर, वो और भी ज़्यादा दर्दनाक होगा। समझ रहे हैं, ये बरदख की मंजिलें हैं, ये बरदख के बारे में गुफ्तगू हो रही है, जो बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है। एक चीज़ और आखिरी आज की इस बहस से रिलेटेड, वो ये है कि आप बरदख क़यामत दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी हम कह रहे हैं दो अलग अलग चीज़ें, और ज़रा सा बहुत ज़्यादा इल्मी एतबार से अगर निगाह ना कीजिए तो दोनों एक जैसी लगेगी। ये बरदख क़यामत तकरीबन सब एक ही साथ है, मिली जुली चीज़ें। फ़र्क है वकील साहब इसके अंदर, फ़र्क क्या है? ये चार फ़र्क हैं, सुन लीजिए आपकी रहमत। तमाम, पहली चीज़ आलम बरदख या आलम अरवाह, इसमें जो अजाब इंसान को मिलता है यानी उसकी रूह को, या सवाब मिलता है, जजा मिलता है उसकी रूह को, वो रूह को मिलता है, बार बार मैं इसी उसकी रूह को, उसकी रूह को। बरज़ख में जो भी रिवार्ड्स हैं, प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है, अजाब है सवाब है, गुनाह है अजाब है, जो भी है अच्छा है या बुरा है, वो किस चीज़ को नसीब होगा बरज़ख की ज़िंदगी में? आलम बरज़ख में जो कुछ भी मिलेगा वो रूह को मिलेगा। अगर प्यास लगी है तो आपकी रूह पानी पी करके, या मतलब जन्नत के ड्रिंक्स पी करके, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी करके वो अपनी प्यास बुझाएगी। अगर आपकी रूह को भूख लगी होगी तो वहाँ की रेस्टोरेंट में जा करके चिकन टिक्का खाएगी, और क्या क्या खाएगी, नहीं पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप इरादा कीजिएगा वहाँ सब हाजिर हो जाएगा, अनलिमिटेड है वहाँ भी, कोई मतलब थक जाओ लेकिन कोई वो नहीं हिसाब किया। तो ये बात समझ में आई आपको कि जो भी जजा और सजा है बरज़ख की ज़िंदगी में वो रूह से रिलेटेड है। बदन को ज़र्रा बराबर कोई फ़ायदा नुकसान आलम बरज़ख में, आलम अरवाह में हासिल होने वाला नहीं है, उसको कोई टच नहीं कर रहा। आपने जिस्म को दफन कर दिया है खाक में, रूह अपना इस वक्त
आलम बरज़ख़ में मौजूद है, फ़ायदा उठा रही है अच्छे में या बुरे में, जैसे भी, बदन को कोई भी टच नहीं कर रहा है। लेकिन क़यामत में यही अजाब और इनाम, जज़ा और सज़ा, यही जज़ा और सज़ा क़यामत के दिन किस चीज़ को मिलेगी? बदन को मिलेगी। यानी बरज़ख़ का मामला ख़त्म हो गया, बरज़ख़ में रूह भुगत रही थी, उसके बाद क़यामत में क्या होगा, जिस्म और बदन इंसान का भुगतेगा। अच्छा रहा होगा तो अच्छा, बुरा किया होगा तो फिर वो भी जलेगा, कूटेगा, पूछा जाएगा उसे भी। ये पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क, आलम बरज़ख़ में जो आपको सवाब दिखाई देगा, फ़ायदा दिखाई देगा, प्रॉफिट दिखाई देगा, जज़ा दिखाई देगी, या उसी के मुकाबले में अजाब और गुनाह मिलेगा, ये चीज़ें बहुत मुख्तसर सी हैं, यानी एक कॉर्नर के जैसी भी नहीं है जन्नत की। जन्नत के एक कॉर्नर या जहन्नम के अजाब का एक झलक जैसा भी नहीं है जो आप आलम अरवाह में या बरज़ख की ज़िंदगी में आप बर्दाश्त करेंगे। बात समझ रहे हैं? क्या कहा मैंने? दिमाग कहीं और चल रहा है भाई? इतना तो समझ में आना चाहिए कि जब आदमी बोलता है, दूसरों के सामने लेक्चर देता है, ज्ञान देता है, काबिलियत करता है, तो वो चेहरों के हाव भाव से समझ में आ जाता है कि कौन कहाँ है। जब उस्ताद क्लास में खड़ा होता है टीचर, तो पीछे बैठे हुए लड़कों से लेकर के अपने सामने बैठे हुए बच्चों तक खाली चेहरे पर निगाह करके समझ में आ जाता है कि ये सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इसके समझ में आ रही है नहीं आ रही है। मैंने ये कहा है कि बरज़ख़ में जो सवाब है, जो अजाब है, वो बहुत ज़रा सा है। आखिरत वाले यानी क़यामत में जो अजाब और सवाब है उसके मुकाबले में 1% 10% है। समझ में आ रही है? बरज़ख़ में अगर अच्छा है इंसान, सोचो यहाँ पे अगर नेमतों में घिरा हुआ है अपने अमाल की बुनियाद पे, जब वहाँ फाइनल पहुँचेगा तो क्या होगा? धन्ना सेठ बन जाएगा वो, है? लेकिन यहीं पे अगर मामला फंसा हुआ है, डंडे बज रहे हैं, एक यानी 1% 1.5% 2% वाला हिसाब किताब है अजाब वगैरह और सवाब का, कि यहाँ पे आलम अरवाह में, आलम बरज़ख़ में 2% में तबीयत नरक है, डंडे खा खा करके वहाँ क्या होगा? समझ जा भाई, हम बता सकते हैं, मानना न मानना आपका काम है, भुगत दिएगा आप। वो बटन दबवाने मदद ज़रूर करूँगा, वहाँ कहने मैंने कहा था आप एक बटन बजाय 2-3 मशीनें सेट कर दीजिए। तीसरा फ़र्क, आलम बरज़ख़ इस दुनिया में बरकरार है, इस दुनिया में है और बरकरार है। आलम बरज़ख़ कहाँ है? इसी दुनिया में है और बरकरार है। हम नहीं देख पा रहे, वो हमारी आंखों की प्रॉब्लम है। जिनकी बरज़ख़ी आंखें होती हैं वो देखती हैं, जो देख सकते हैं, जिनकी आंखों में इतनी क़ुव्वत और तवानाई होती है, वो देखते हैं इस चीज़ को। तो आलम बरज़ख़ इस दुनिया में बाकी है और बरकरार है। वो कैसे? हर रोज़ सैकड़ों लोग, लाखों लोग इस दुनिया से रुख़सत होते हैं, मरे फ़ौरन ट्रांसफ़र हो गया उनका, मुंतकिल हो गए कहाँ? आलम बरज़ख़ में। बहुत सारे बच्चे हैं जो हर रोज़ पैदा होते हैं, वो कहाँ आते हैं? इस दुनिया में आते हैं, बिलाखिर आलम अरवाह से आलम दुनिया में आते हैं, वो भी देख रहे हैं। ये आलम बरज़ख़ जो है वो लगा हुआ है, अटैच्ड है हमारी दुनियावी ज़िंदगी से। बात समझ रहे हैं? बहुत आसान से लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ। ये आखिरत क्या नाम है, बरज़ख़ी ज़िंदगी हमारी दुनियावी ज़िंदगी से अटैच्ड है। इधर से रूह निकली, इधर मुंतकिल हो गई। हर रोज़ हज़ारों लोग, लाखों लोग मर रहे हैं, जितने मर रहे हैं सब इधर जा रहे हैं, और अभी इधर का कोई टाइमिंग नहीं है, ना कोई स्पेस है कि नहीं, सब भर गया, अपना भेजो, जगह नहीं है, बिल्डिंग बनाओ फिर भेजना नहीं। क्या चीज़? हाँ, फिर अच्छा, ये लोग जो दुनिया में आ रहे हैं, एक रेशियो बरकरार है, तकरीब मरने वाले उधर जा रहे हैं, दुनिया में मज़ीद पैदा हो रहे हैं हर रोज़ लोग। तो बरज़ख़ की, बरज़ख़ जो है वो दुनिया से रिलेटेड है, अटैच्ड है दुनिया से। लेकिन क़यामत जब आएगी तो फिर दुनिया का कोई आसार, दुनिया की कोई निशानी बाकी नहीं रहेगा। ये आपकी नहीं था, ये क़यामत है, ये दुनिया है। हम ये कह तो रहे हैं कि ये
दुनिया है और ये बर्ज़ख़ है, फिर उस वक्त ये नहीं कह सकते कि ये क़यामत है और ये दुनिया है, क्योंकि सब ख़त्म हो जाएगा, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ज़ीरो रू हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, नथिंग, ना कोई चीज़ बाकी रहेगी ना कोई ज़िंदा रहेगा। अगर कोई ज़िंदा रहेगा तो परवरदिगार आलम उसकी कुदरत है, वो ज़िंदा रहेगा। ये तीसरा फ़र्क है, ठीक। जब तक दुनिया है तब तक बर्दख है, जिस दिन दुनिया ख़त्म उस दिन बर्दख ख़त्म, और वहीं से क़यामत शुरू हो जाएगी। चौथी और आखिरी चीज़, बर्ज़ख के साथ साथ दुनिया, मैंने कहा अटैच्ड है, या दुनिया के साथ बर्ज़ख अटैच्ड है, तो चाहे दुनिया को देख लो चाहे बर्ज़ख को देख लो, ये दारुत तकालीफ़ है। दारुत तकालीफ़ कहते हैं वर्कशॉप कह लीजिए, ऐसी जगह जहाँ पे इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे, जहाँ पे इंसान काम करे। दार यानी घर, तकालीफ यानी वर्क्स, होमवर्क जिसे कह लीजिए, हैं, नहीं, काम की जगह जहाँ पे अमल, अब समझ में आ जाए, बर्ज़ख़ जो है वो हमारे अमल की बुनियाद के ऊपर, दुनिया हमारे अमल की जगह है, दारुल अमल है, यहाँ जैसा अमल करेंगे वैसा हमको बर्ज़ख में मिलेगा। क्या है यहाँ पे फरमा रहे हैं, दुनिया आलम बर्ज़ख के सिलसिले में, और दुनिया के सिलसिले में ये दारुत तकालीफ़ लगा हुआ है, दुनिया में बेटा अमल करोगे जैसा वैसा बर्ज़ख में भुगतोगे, करते जाओ करते जाओ। हम इस दुनिया से रुख्सत हो गए, अब हम क्या करें? आप कह रहे हैं कि दारुत तकालीफ़ है, अटैच्ड है बर्ज़ख की ज़िंदगी तकालीफ़ से, काम से, अमल से। खूब अल्लाह ने हमें औलाद दी है, औलाद हमारी नेक है, साले है, हम मर गए, सही से कुरान उठा करके उसने एक सूरह हम्द की तलावत कर दिया, ये भी तो एक अमल है। बर्ज़ख की ज़िंदगी में हमें फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? हमारे बेटे ने मजलिसे हुसैन बर्पा कर दिया, किसी यतीम गरीब की मदद कर दिया, किसी जाहिल को पढ़ने में मदद किया उसको पढ़ा लिखा दिया है, किसी बेसहारा को सहारा, ये जो कुछ भी वो करेगा ये सब हर चीज़ के उसके नेक अमल का रिवार्ड हमको भी मिलेगा। अगर हमने उसकी ऐसी तरबियत ना की होती, अगर हमने उसको न सिखाया होता तो आज वो इन अच्छे कामों को अंजाम ना दे रहा, तो वो भी मुनारिफ हो चुका होता, बर्बाद हो चुका होता। तो दुनिया भी दारुत तकालीफ है जिसका फ़ायदा हम इस दुनिया में उठाते हैं। भाई हम खाल लुकमा उठा के मुंह में डालेंगे तब हमारा पेट भरेगा। रूह के साथ भी यही है, जो हम करेंगे वही हमारी रूह हमको भुगतेगी। इंसान के जैसी अच्छी पारसा ज़िंदगी, मोमिन और तकवे वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी रूह को भी वहाँ पे नेमतें मिलेंगी। यहाँ पे लुचैले फंगई करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो वहाँ पे वो पीटी जाएगी, डंडे खाएगी। हम मर जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गया मामला। अब हमारे बाद बाकियात सालेहात के उनवान से जब तक क़यामत नहीं आई है ये दरवाज़ा खुला हुआ है। कोई भी 2000 साल बाद भी आपको कोई कुछ भेजेगा तो आप तक पहुँचेगा, लेकिन क़यामत में इस तरह की कोई कंसेप्ट नहीं है। बस जो हो गया हो गया, जितना कर चुके हो, जितना हो चुका है, ख़ुद अंजाम दिया है, अब वहाँ पे उसी बुनियाद के ऊपर फैसला होगा। क़यामत में औलाद का फातिहा काम नहीं आएगा, क्योंकि औलाद ही नहीं रहेगी, दुनिया ही नहीं रहेगी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं कि हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि अपने अपने आमाल के ऊपर एक निगाह डालें। अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई नक्स, कोई ऐब, कोई बुराई दिखाई दे रही हो तो उस आमाल को हम अपने सही कर सकें। नसअलुकल्लाहुम्मा व नदउक बिस्मिकल अज़ीमिल अअज़्ज़म अल अअज़्ज़ल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 या अल्लाह। इलाही बहक ज़हरा अबीहा व बअलहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदाए फीहा बि अदद मा अहात बिही इल्मुक। परवरदिगारा माह रमज़ान आधा ख़त्म हो चुका है, आधा बचा है, 15 दिन 14 दिन। मालिक अपनी रहमत, मगफ़रत,